आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का मतलब होता है कि समाज को सहूलियत देना। उनके घोषणा पत्र का मतलब होता है लालच देना। हम लालच देकर काम नहीं करते, हम सहूलियत देकर काम करते हैं ताकि लोगों का जीवन सरल बने। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हमारा जो घोषणा पत्र का मतलब होता है समाज को सहूलियत ज्यादा देना, उनका घोषणा पत्र लालच ज्यादा देना। हम लालच देकर के काम नहीं करते, हम सहूलतें देकर काम करते हैं, लोगों का जीवन सरल बने, आसान बने। जो लोग, वही जमाना था कांग्रेस का कि परिवार के अगर पांच एडल्ट नागरिक होते थे तो पांचों लाइन में लगे रहते थे। कोई गैस की लाइन में, कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई तहसीलदार की लाइन में, कोई पटवारी के साथ पास खड़ा है, कोई थाने में खड़ा है। सब लोगों को इतना बिजी कर रखा था उन्होंने, और जो बाकी बचे हुए थे समाज के ऐसे कामों को कराने के लिए सरकार के बीच में और जनता के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। इस प्रकार के सारे विषय हमने खत्म कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जनता का जो जीना है वो सरल कर दिया। विंडोज, जो भी विंडोज होती हैं स्थानीय तौर पर कंप्यूटराइजेशन कर दिया गांव गांव में। आज कोई फर्द भी लेने जाता है तो केवल एक सरकारी फीस देकर के बटन दबाता है, उसको फर्द मिल जाती है। वरना एक किसान को फर्द लेने में 6-6 महीने लग जाते थे। अगर किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, 1 घंटे में जाकर के रिन्यू करा के आदमी आ जाता है। वरना ये लाइसेंस रिन्यू कराना और कितनी वेरिफिकेशन होती है। आज एक गरीब परिवार का जो उनको अपना जाति सर्टिफिकेट चाहिए, पहले महीनों महीने लगते थे तब जाके जाति सर्टिफिकेट बनता था। आज बटन दबाते उसको जाति सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो लोगों को जीवन का, यानी जीवन जीने की सरलता।